डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चौथे चैप्टर में आ चुके हैं। चौथे चैप्टर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म के सिद्धांत। फर्म को हम उत्पादक के नाम से भी जानते हैं, विक्रेता के नाम से भी जानते हैं। तो इस टॉपिक चैप्टर में कई सारे ऐसे टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जैसे आगम क्या है, उत्पादक का संतुलन क्या होता है, पूर्ति क्या है, पूर्ति वक्र क्या है, पूर्ति के नियम, तो बहुत सारे टॉपिक है। तो लंबा वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 2 की तरह, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें कई सारे अलग अलग टॉपिक इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आगम के बारे में। आगम क्या आ रहा है, क्योंकि उत्पादक से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा, उत्पादन किया, उत्पादन के लागत क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर बेसिकली उत्पादन करने का मोटिव क्या है, लाभ। लाभ तभी मिलेगा जब हम किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचेंगे। तो कीमत पर बेचकर किसी भी वस्तु को किसी भी कीमत पर बेचिए ना, तो उससे जो पैसा आपको मिलता है वही आगम होता है, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू। यहाँ पर आगम की अलग अलग अवधारणाएं हैं, जैसे कुल आगम है, सीमांत आगम है, औसत आगम है, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आगम क्या होता है, आगम का मीनिंग क्या है, उसके बाद आगम की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आगम क्या होता है, आगम यानी कि रेवेन्यू, आगम मतलब वो टोटल अमाउंट जब किसी वस्तु को या सेवा को हम निश्चित कीमत पर बेच के प्राप्त करते हैं, ठीक है। दैट इज आगम का अभिप्राय उस विक्रय राशि से है जिससे फर्म अपने उत्पादन बेचकर प्राप्त करती है। अगर मान लीजिए आपके पास 100 वस्तुएं हैं, किसी वस्तु की 100 क्वांटिटी है और उस वस्तु को आपने 20 रुपये प्रति इकाई से बेचा, तो बेचने से आपको कितना मिला, 2000 रुपये मिला। तो ये 2000 रुपये आपका क्या होगा, आगम होगा, रेवेन्यू, की बेचने से जो भी मिलता है। अब ये आगम है, बेचने से जो कुछ मिलता है, अब आगम में आपका लागत भी शामिल होता है, क्योंकि जो 100 क्वांटिटी 20 रुपये के हिसाब से बेचा ना 2000 रुपये में, तो उस क्वांटिटी को परचेज भी किया होगा और या फिर आपने प्रोड्यूस भी किया होगा, उसमें कुछ खर्चा भी होगा। तो आगम में से लागत को माइनस करने के बाद जो बचता है वो लाभ होता है, और प्रत्येक बिजनेस लाभ के लिए होता है। तो लाभ के लिए दो बातें हैं, क्योंकि बेसिकली लाभ का फार्मूला होता है, लाभ बराबर होता है आगम माइनस लागत। लागत के बारे में आप जान ही चुके हैं, उत्पादन के लिए जो कुछ भी आप खर्च करते हैं वो लागत होता है। अब बेचने से जो मिला वो आगम है, जो खर्च किया जो बेचकर मिला, उन दोनों का डिफरेंस होता है लाभ। अगर आगम ज़्यादा हुआ तो लाभ, आगम कम हुआ तो हानि, लॉस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, डूले ने आगम की परिभाषा की दिया, डूले ने आगम के बारे में बताया और कहा कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां होती हैं, यानी किसी भी वस्तु को बेच के मुद्रा के रूप में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसी को हम आगम कहते हैं, उसी को हम जो है क्या बोलते हैं, प्राप्ति बोलते हैं, उसी को हम जो है रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक फर्म का उद्देश्य हमेशा अधिकतम लाभ कमाना होता है, क्योंकि जो भी उत्पादक है, विक्रेता है या फर्म है, वो बिजनेस या उत्पादन प्रक्रिया इसलिए पूरा करता है ताकि उसको लाभ की प्राप्ति हो। तो लाभ की प्राप्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया कि बिक्री की राशि में से उत्पादन की लागत को माइनस कर देते हैं, आगम में से लागत माइनस करेंगे तो लाभ, और लाभ की प्राप्ति का ही पूरा खेल होता है, लाभ के कारण ही सब कुछ होता है। तो यहाँ पर जब आगम के बारे में पढ़ते हैं, आगम की अलग अलग अवधारणाओं के बारे में जानना जरूरी है। आगम की तीन प्रमुख अवधारणाएं हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। कुल आगम को टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, शॉर्टकट में इसको TR से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीमांत आगम को मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है, शॉर्टकट में इसको MR से लिखा जाता है, जबकि औसत आगम को शॉर्टकट में बोला जाता है AR। अब इन तीनों के बारे में अलग अलग समझेंगे, अलग अलग तरीके से उदाहरण के साथ समझना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट बहुत आता है। पहला कॉन्सेप्ट है कुल आगम। कुल का मतलब है टोटल, मतलब वस्तु की सभी इकाइयों को बेचकर, आपके पास किसी भी वस्तु की जितने भी इकाइयाँ हैं सबको बेच दिया, सबको बेचने के बाद आपको वो जो कुल राशि की प्राप्ति हुई ना, सबको बेचने का टोटल जो आया, उस टोटल को हम कुल आगम या टोटल रेवेन्यू के नाम से गलते हैं, कुल प्राप्तियाँ बोलते हैं। तो किसी फर्म का कुल आगम वस्तु की एक इकाई कीमत तथा कुल विक्रय की गई इकाइयों के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया गया जाता है, मतलब आपने जितनी वस्तुएं बेची और उस वस्तुओं को कितने पैसे में बेचा, कितने रुपए में बेचा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कुल आगम बराबर कुल बिक्री से प्राप्त राशि, जितनी बिक्री की है। और कुल बिक्री की राशि कैसे प्राप्त करेंगे, आपने कितनी इकाइयाँ बेची, दैट इज़ क्वान्टिटी,
और कितने रुपए में बेची, यानी कि प्रति इकाई कीमत क्या एक एक यूनिट का, दैट इज़ पी एक्स। तो डूले ने कहा कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त बिक्री की राशियों की प्राप्तियों या आगम का जोड़ है, जितने भी इकाइयाँ बेचा सबको जोड़ दो, जो आया वही आपका कुल आगम है। इवन कुल आगम निकालने का फार्मूला भी है कि कुल आगम बराबर बिक्री की इकाइयाँ मल्टीप्लाई बाय प्रति इकाई वस्तु की कीमत। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के साथ समझते हैं, एक विक्रेता वस्तु की एक इकाई 10 रुपये में बेचता है। एक इकाई यानी कि प्रति इकाई कीमत, जिसको बोलते हैं हम प्राइस, प्राइस पर यूनिट कितना है 10 रुपये है। यदि वह 500 यूनिट बेच देता है, क्वांटिटी कितनी है 500 अगर बेच देता है, तो बताओ कुल आगम कितना होगा। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो क्वांटिटी 500 बेच दी, एक की कीमत कितनी है 10, तो कितने में बेची उसने 5000, तो ये 5000 उसका कुल आगम है। ठीक है, मतलब साफ है कि क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा कुल आगम है। कुल आगम के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है सीमांत आगम। जाहिर सी बात है हम बिक्री की हर इकाई बढ़ाते या घटाते चले जाते हैं। सीमांत शब्द जब भी प्रयोग होता है, सीमांत का मतलब होता है परिवर्तन होना, पहले जो था उससे एक कम या एक ज़्यादा। जब एक अतिरिक्त की बात करेंगे, एक अतिरिक्त ज़्यादा एक अतिरिक्त कम, मतलब होता है उत्पादन फर्म की वस्तु एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से जितना आप बेच रहे थे उसके अलावा एक ज़्यादा बेचने से आपकी कुल आय में, कुल आगम में, कुल प्राप्ति में जो भी परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम के नाम से जानते हैं कि एक अलग इकाई बेचने से अलग से आपको कितना पैसा, कितना आय की प्राप्ति हुई। सीमांत आगम कुल आगम में परिवर्तन की दर को बताता है। फर्गुसन ने इसको एक्सप्लेन किया कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई या कम अधिक बेचने से कुल आगम में जो भी परिवर्तन होता है, मान लो पहले एक क्वांटिटी बेचा आपको मिल रहा था 50 रुपये, फिर आपने एक के बाद एक और बेच दिया, दो बेच दिया, दो बेच के आपको मिले जो है 80 रुपये, तो आपको बताना है दूसरे वाले से कितने रुपये मिला के बाद 30 रुपये। तो हर एक से अतिरिक्त इकाई मिलने वाली जो आगम होती है ना उसे सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। सीमांत आगम निकालने का फार्मूला होता है MR इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, या फिर दूसरा फार्मूला होता है MR इक्वल टू कुल आय में परिवर्तन बट्टे बिक्री की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम समझते हैं उदाहरण के साथ, ये है बिक्री की इकाइयाँ क्वांटिटी और ये है आपका कुल आगम। यहाँ से निकालेंगे हम सीमांत आगम, कैसे आएगा बेटा। बिक्री की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कुल आगम की बात करते हैं, पहले को बेचा 40, फिर आया 90, ठीक है 130, फिर आया 150, 160, फिर आया 160, फिर आया 150। तो ऐसे में जब हम सीमांत आगम की गणना करेंगे तो फार्मूला है TRN, N का मतलब होता है जिस यूनिट का हमें MR निकालना है, पहले का निकालना ये हो गया N, N माइनस 1 मतलब इससे ठीक पहले वाली इकाई, तो कुल आगम में के उससे ठीक ऊपर वाले कुल आगम माइनस कर देंगे। तो TRN ये 40 के ऊपर कुछ नहीं है तो MR 40 होगा, 90 के ऊपर 40 है तो ये हो गया 50, 130 के ऊपर 90 है तो ये हो गया 40, 150 के ऊपर 30 है ये हो गया 20, 160 के ऊपर 50 है ये हो गया 10, 160 के ऊपर 60 है ये हो गया 0 और फिर हो गया माइनस का 10। इसका मतलब ये हुआ कि एक अतिरिक्त इकाई बेचा, पहले एक, फिर एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा दिया, फिर एक बढ़ा दिया, तो हर एक से अलग अलग में इतनी इकाइयाँ की प्राप्ति हुई, तो इसी को हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। जब भी सीमांत आगम वक्र बनेगा ध्यान रखिएगा ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, जैसे उपयोगिता होती है सीमांत उपयोगिता, जैसे सीमांत उत्पादन, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन और सीमांत आगम, ये तीनों ही नीचे गिरते हुए नजर आते हैं, इवन ये माइनस में भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट है औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू AR। देखिए औसत आगम और प्रति इकाई कीमत सेम है, क्योंकि वस्तु की प्रति इकाई कीमत से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से कुल आगम आता है। भाई कुल आगम को बिक्री की इकाई से भाग करेंगे औसत आगम आएगा, जो कि प्रति इकाई कीमत को ही बताता है। दैट मीन्स औसत आगम से अभिप्राय उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री, मतलब एक एवरेज, एवरेज में बताओ कि हर एक इकाई की बिक्री से हमें कितना प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल आगम को बिक्री की इकाइयों के भाग देने से औसत आगम की प्राप्ति होती है। दैट इज़ अगर आपके पास कुल आगम है
और कुल आगम को हमने बिक्री की इकाइयों से भाग कर दिया, तो जो भी प्राप्त होता है उसी को हम सीमांत आगम के नाम से जानते हैं। मैकोनल ने एक्सप्लेन किया इसको कि किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत आगम ही वस्तु की प्रति इकाई कीमत होती है। किस तरह से होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है कुल आगम बिक्री की इकाइयाँ और ये है कुल आगम। ठीक है, फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि औसत आगम को प्राप्त करते हैं कुल आगम को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर। तो यहाँ हो गई बिक्री की इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया कुल आगम 40, 90, 130, 150, 160 और ये हो गया 160। कुल आगम की प्राप्ति करेंगे तो ये हो गया हमारा AR। ठीक है, 1 से 40 के भाग कर देंगे 40, 90 को 2 से भाग कर देंगे 45, 130 को 3 से भाग करेंगे 3 चौके 12, बचा गएगा 1, 3 3 9, 3 3 9, 150 को 4 से भाग कर देंगे 4 3 12, बचेगा 2, 4 5 20। ठीक है, चार तिया बारह बचा कितना 3, 4 7 28, थोड़ा सा गलत हो गया सॉरी डिवाइड, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 3 12 बचेगा 3, 4 7 28, 4 5 20, 5 से भाग करेंगे 160 को, 5 3 15 बचेगा 1, 5 2 10, 160 को 6 से भाग करेंगे 6 2 12 बचेगा 4, 0, 6 6 36, 6 6 36, तो ये हो गया हमारा औसत आगम। और यही औसत आगम वस्तु की प्रति इकाई कीमत को बताता है। ध्यान में रखना हमेशा जो कीमत है वही औसत आगम है। तो ऐसे में जब औसत आगम वक्र बनाते हैं ये हमेशा ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है, जिस प्रकार से मांग वक्र बनता है। ये हो गया औसत आगम वक्र या फिर वस्तु की प्रति इकाई कीमत वक्र, ऊपर से नीचे गिरता हुआ नज़र आता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वस्तु की प्रति इकाई कीमत या औसत आगम या फिर मांग वक्र, तीनों एक ही है। तो कहते हैं कि औसत आगम को मांग वक्र क्यों कहा जाता है, और एक क्वेश्चन आता है शॉर्ट में आता है, ध्यान रखिए, औसत आगम को मांग वक्र के नाम से क्यों जाना जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट है, औसत आगम से अभिप्राय वस्तुओं की बिक्री से विक्रेता को प्रति इकाई आय से है, दूसरी ओर कीमत से आशय। औसत आगम का मतलब होता है कि आपने कितनी इकाइयों की बिक्री कर दी और कितने में बेची, जितने में आप बेचते हैं वही क्रेता यानी कि खरीदने वाला खरीदेगा। मतलब आपने जिस कीमत पर वस्तु की बेची उसी ने सामने वाले ने उतने को कीमत में खरीदी, यानी कि आपके लिए जो औसत आगम है सामने के लिए वही जो है क्या है भुगतान है। तो सामने वाला जो मांग करेगा आप वही बेचेंगे, तो ऐसे में दोनों बराबर होता है। इसलिए औसत आगम को ही वस्तु की प्रति इकाई कीमत या फिर औसत आगम वक्र को ही मांग वक्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितना विक्रेता प्राप्त करता है उतना ही क्रेता भुगतान करता है, यानी कि बेचने वाला उतना ही मिलेगा उसको जितना खरीदने वाला पेमेंट करेगा, या फिर खरीदने वाला उतना ही पेमेंट करेगा जितना बेचने वाला बेचेगा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे में औसत आगम वक्र ही वस्तु की मांग वक्र को शो करता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला दोनों एक ही जगह बन जाता है। अब क्वेश्चन में अलग अलग बाज़ार होते हैं, अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग प्रकार से मांग वक्र बनता है। जब आप पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र की बात करते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में ध्यान में रखिएगा वस्तु की कीमत समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की इकाइयां बदलती चली जाती हैं लेकिन वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की मांग वक्र में यानी कि वस्तु की मांग वक्र जो कि औसत आगम वक्र होता है वो और सीमांत आगम वक्र होता है वो तीनों ही आपस में बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ऐसे में जब भी पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं ये है वस्तु की इकाई प्रति इकाई कीमत जो कि औसत आगम को बताता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कुल आगम होगा, और कुल आगम से अगर सीमांत आगम निकालते हैं तो सेम आएगा, यानी कि यहाँ पर सीमांत आगम और प्रति इकाई एक कीमत दोनों ही बराबर होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे बनता है AR = MR, कुल आगम और सीमांत आगम आपस में बराबर होते हैं। जबकि जब हम एकाधिकार बाजार की बात करते हैं एकाधिकार में एक ही विक्रेता होते हैं
और खरीदने वाले कई सारे होते हैं और एकाधिकार में एक विक्रेता अपने हिसाब से वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है, वो क्योंकि अकेला विक्रेता है, उसके अलावा उसके आसपास कोई भी नहीं भटकता है। लेकिन अगर उसको वस्तु को ज़्यादा बेचना है, अगर मान लीजिए वो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में वस्तु की कीमत ज़्यादा करता है, तो खरीदने वाले खरीदेंगे ही नहीं, ऐसे में वस्तु एक कम बिकेंगी। तो एकाधिकार में वही रूल लागू होता है कि अगर वस्तु को ज़्यादा बेचना है तो भैया कीमत आप तय करो लेकिन कम रखो, और वस्तु की इकाइयाँ कम करनी है, लाभ ज़्यादा लेना है तो कीमत बढ़ा दो। कोई कीमत बढ़ने से वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी बिक्री की, क्योंकि खरीदने वाला ज़्यादा महंगा सामान खरीदेगा नहीं, भले वो यूज़ करना बंद करेगा लेकिन महंगा नहीं खरीदेगा। इस प्रकार से एकाधिकार में मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक संबंध होता है, मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कीमत का सीधा प्रभाव उसकी मांग पर पड़ता है। ऐसे में कुल आगम बढ़ता हुआ चला गया, औसत आगम और ये सीमांत आगम दोनों ही नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। ऐसे में ये हो गया सीमांत आगम और ये हो गया औसत आगम, ठीक है, औसत आगम और ये हो गया सीमांत आगम। सीमांत आगम आपका माइनस में भी जा सकता है, दोनों नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों ही समान होते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेता बहुत सारे होते हैं, क्रेता भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि विक्रेताओं में स्थानापन्न वस्तुएँ पाई जाती है। जो विक्रेता है एकाधिकार बाजार में, सबके पास एक दूसरे से के साथ मिलते जुलते सामान होता है, रेट का भी फासला होता है, तो यहाँ पर भी जो औसत आगम वक्र होता है और सीमांत आगम वक्र होता है ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि आप अपनी वस्तु की कीमत को ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि सामने वाला भी सामान बेच रहा है और आपसे मिलता जुलता सामान है, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो सामने वाले की सामान ज़्यादा बिकेगा। तो ऐसे में एकाधिकार प्रतियोगिता की स्थिति में भी हमेशा जो आगम वक्र होता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस, इस प्रकार से होता है। ये होता है MR और ये होता है AR। फिर आता है संबंध की बात, कुल आगम और सीमांत आगम के बीच क्या संबंध है। जब कुल आगम और सीमांत आगम की बात करते हैं तो ध्यान में रखना कि MR अतिरिक्त आगम है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई से बेचने से प्राप्त होता है, और सभी इकाइयों के सीमांत आगम के जोड़ को ही कुल आगम कहते हैं। तो ऐसे में MR की गणना कुल आगम से की जाती है, और MR जो है कुल आगम की दर को बताता है कि कुल आगम में कितनी वृद्धि होती है, किस स्पीड में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर जब संबंधों की बात करते हैं, जब MR बढ़ रहा होता है तो कुल आगम बड़ी तेज़ी से बढ़ती होती है, जब MR घटता हुआ होता है तो कुल आगम में बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। जब MR शून्य हो जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, उस स्थिति में जो TR जो होता है अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। जैसे ही MR यानी कि सीमांत आगम घटने लगता है, वैसे ही TR भी यानी कि कुल आगम भी हमारा घटने को आ जाता है। इसका मतलब एक ऐसा बिंदु जब हमारा सीमांत आगम जीरो होता है, व्हेन MR इक्वल टू जीरो, तब हमारा कुल आगम सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध पूछा जाता है। इन दोनों के बीच में संबंध की बात करते हैं तो पहला संबंध यह है कि औसत आगम पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा AR और MR बराबर होता है। दूसरा संबंध लिख सकते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम दोनों की गणना आप कुल आगम से करते हैं, जहां पर औसत आगम बराबर होता है TR अपॉन Q, और MR का मतलब होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, दूसरा संबंध। तीसरा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में अगर MAR औसत आगम घटता हुआ होता है तो वो सीमांत आगम से ज़्यादा तेज़ी से घटता है, ज़्यादा होता है, मतलब ये वाली स्थिति होती है, ये है AR और यहाँ पर होगा MR, जबकि ऋणात्मक हो सकता है परंतु AR नहीं। सीमांत आगम नेगेटिव जा सकता है, यहाँ पर देखिए नीचे की ओर MR हो सकता है, लेकिन औसत आगम कभी की वस्तु की कीमत कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो औसत आगम कभी भी माइनस में नहीं होता, भले कम होता चला जाए, गिरता हुआ चला जाए, कभी ये माइनस में नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बारी होती है कि सीमांत आगम, औसत आगम, कुल आगम की गणना कैसे करें। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए, हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। गिवन क्या है, वस्तु की इकाइयां और वस्तु की कीमत, और यहीं पर सबसे पहले हम कुल आगम निकालते हैं, वस्तु की बेची गई इकाइयां मल्टीप्लाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया वस्तु की इकाई और कीमत 10 एकम 10, तो ये हो गया 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौके 28, 6 पंजे 30 और 5 छः 30 आ गया, ये 30 है बेटा, 36 मत समझ लेना। उसके बाद जब ये आ जाता है तो दूसरे पॉइंट में, दूसरे स्टेप में हम निकालते हैं औसत आगम, जहाँ पर औसत आगम का फार्मूला होता है टी आर अपॉन क्यू। ये हो गया कुल आगम और ये हो गया बेची गई इकाइयाँ। तो कुल आगम को बेची गई इकाइयाँ यानी कि क्यों से भाग कर देंगे, 10 को 1 से भाग करेंगे 10 आएगा, 18 को 2 से भाग करेंगे 9 आएगा, 24 को 3 से भाग करेंगे 8 आएगा, 28 को 4 से भाग करेंगे 7 आएगा, 30 को 5 से भाग करेंगे 6 आएगा और 30 को 6 से भाग करेंगे 5 आएगा। क्या नज़र आया आपको, नज़र ये आया कि औसत आगम और वस्तु की कीमत दोनों ही समान है और दोनों ही बराबर होते हैं। लास्ट पॉइंट है सीमांत आगम। सीमांत आगम की गणना करने के लिए कुल आगम की ज़रूरत पड़ती है, और जिस इकाई की सीमांत आगम निकालना पहले उसके ठीक ऊपर वाले कुल आगम से माइनस कर देंगे। तो ये पहली इकाई 10 है, उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो माइनस क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो ये हो गया 10। फिर 18 में से 10 को माइनस कर देंगे 8, फिर 24 में से 18 माइनस कर देंगे 6, फिर 28 में से 24 माइनस कर देंगे 4, फिर 30 में से 28 माइनस कर देंगे 2, और फिर 30 में से 30 माइनस कर देंगे 0। ये कैलकुलेट हो जाता है। अगर यहाँ तक किसी पॉइंट में संबंध को लेके, कैलकुलेशन को लेके, अवधारणाओं को लेके, मीनिंग को लेके आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न बचता है इतना समझाने के बाद भी, तो बेझिझक बेधड़क खटाखट अपने कन्फ्यूज़न को लिख के भेजिए। हर एक डाउट को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर सब कुछ समझ में आ गया और नए नए वीडियोस आपको चाहिए, पूरा चैप्टर चाहिए, पूरा सिलेबस आपको चाहिए इसी तरह से बेल नोट्स के साथ, आपको बस एक ही काम करना होगा, सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर देना है अपने दोस्तों के बीच में। और जल्दी ही जैसे ही मैं ऑफलाइन में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।